पहले सारे काम ठीक चल रहे थे। इत्तेफाक ये है कि उस समय हम किसी भी तरह के पूजा पाठ में शामिल नहीं थे। अब जिंदगी की गाड़ी में ऐसे ब्रेक लगे हैं कि कई सालों से एक इंच भी आगे नहीं खिसक पा रहे हैं। लगता है जैसे सब कुछ थम सा गया है। आप ही अंतिम उम्मीद है, कोई रास्ता दिखाएं। क्या नाम है? पुरुषोत्तम चावला, दिल्ली से। ओके, गाड़ी में ब्रेक लग गए हैं, काम चल नहीं रहा है, 2-3 साल से गाड़ी जस की तस खड़ी है। अच्छा, प्रश्न के जवाब में एक प्रश्न पूछता हूँ आपसे। आप सब तो बैठे ही हैं, आपके पास ये आपका कीबोर्ड भी है जिस पर आप जवाब लिख सकते हैं। आप मुझे ये बताएं कि गाड़ी में ब्रेक किस लिए होते हैं? गाड़ी में मैं आपको दो तीन मिनट का समय देता हूँ, 2 मिनट का समय देता हूँ, 44 मिनट 15 सेकंड पर हम हैं। लगभग 2 मिनट में 3 मिनट में आप लिखें कि गाड़ी में ब्रेक क्यों लगाए जाते हैं, फिर मैं आपको समझाऊंगा। हाँ जी, आपने जवाब दिया दुर्घटना से बचने और बचाने के लिए। अभी का लाइव में, अच्छा आज का लाइव, ओके, दुर्घटना से बचने के लिए, सेफ्टी के लिए, एक्सीडेंट से बचने के लिए, दुर्घटना से बचने के लिए, रुकने के लिए, एक्सीडेंट ना हो, एक्सीडेंट ना होने पाए, दुर्घटना से बचने के लिए, है ना, गाड़ी को रोकने के लिए। गाड़ी में एक ब्रेक सेफ्टी और एक्स्ट्रा भार दोनों ही हैं, लेकिन इसका प्रयोग आपका निजी उपयोग है, दोनों अनिवार्य उपयोग हैं। अच्छा, दुर्घटना से बचने के लिए डॉक्टर ने कहा, ठीक है। तो ब्रेक का मतलब आपने ये कर लगाया कि गाड़ी को रुकने के लिए, यानी अगर दुर्घटना की कोई संभावना बनती है तो उसके लिए हम गाड़ी में ब्रेक का यूज करते हैं, दुर्घटना से बच, दुर्घटना अगर होने जा रही है तो ब्रेक लगा करके आप गाड़ी को रोक सकते हैं, गाड़ी को रोकने के लिए, मतलब ऐसा कह सकते हैं उसको, मेरे ख्याल से कि गाड़ी को रोकने के लिए ब्रेक का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा आपके मन में है क्या? आप लोग भी ऐसा सोचते हैं, गाड़ी को रोकने के लिए ब्रेक लगाया जाता है। अब उछलने की तैयारी करिए, जहां बैठे हमें उछलने की तैयारी करिए। गाड़ी में ब्रेक गाड़ी को भगाने के लिए लगाया जाता है, गाड़ी को चलाने के लिए लगाया जाता है, गाड़ी को गति देने के लिए गाड़ी में ब्रेक लगाया जाता है। अगर अब ये उलटवासियां हैं, गुरुओं की यही तो उलटवासियां हैं, अगर ब्रेक ना हो तो गाड़ी भाग ना पाएगी, भगा ही ना सकेंगे। अगर गाड़ी ब्रेक लेस होगी तो 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर से ज्यादा की गति वाली गाड़ी आप चला ही ना पाएंगे, ऐसी गाड़ी चलानी चाहेंगे जिसे पैर घसीट करके रोक सकें साइड में कहीं। गति नियंत्रण के लिए नहीं, गति के विस्तार के लिए है डॉक्टर ने, हाँ समझो, नए ढंग से समझो। गाड़ी में अगर ब्रेक है, जितने मजबूत ब्रेक हैं, देखिए पोर्शे, मर्सिडीज, रोल्स रॉयस, फरारी, जो भी बड़ी गाड़ियां हैं, लिमोजिन, स्कॉर्पियो, जो भी बड़ी स्कॉर्पियो, चलो ठीक है हमारे पास है तो हमने उसका नाम भी बोल दिया, ये जितनी गाड़ियां हैं इनकी गाड़ियों की क्षमता, इनका स्पीडोमीटर, इनके ब्रेक की कमांड और ब्रेक की क्षमता के आधार पर निर्धारित किया जाता है। कौन सी गाड़ी 5 सेकंड में जीरो जा सकती है, 180 से जीरो हो सकती है, कौन सी गाड़ी 10 सेकंड में 200 से जीरो हो सकती है, ये सब ब्रेक से ही तो जीरो होगी। तो यानी कि दौड़ाने का काम ब्रेक करते हैं, आपको गति कितनी पानी है ये ब्रेक पर निर्धारित करता है। अगर ब्रेक मजबूत नहीं है तो दौड़ा नहीं सकेंगे गाड़ी को, आप भाग ही ना पाएगी गाड़ी आपकी। तो ब्रेक, यानी कि ब्रेक जब भी जीवन में आता है, ये संजय क्या नाम था उनका, चावला जी का, पुरुषोत्तम जी, अब तो वैसे पुरुषोत्तम है, ये आपकी गाड़ी को स्पीड देने के लिए ब्रेक लग रहे हैं, क्योंकि अगर ब्रेक ना हो तो गाड़ी भाग ना सकेगी कभी भी। ब्रेक का मतलब ही ये है, इस विराम का मतलब ही ये है, ये जीवन में जितने हर्डल्स आते हैं, जितनी बाधाएं आती हैं, जितनी बार आप रुकते हैं, जितनी बार आप ठहरते हैं, जहां भी गाड़ी ठहरी हुई रुकी हुई प्रतीत होती है, तो समझ जाइए कि आपकी गाड़ी की क्षमता का विकास हो रहा है, आपकी स्पीड को बढ़ाए जाने की तैयारी हो रही है। आपने बाघ को, लॉयन फैमिली को कभी शिकार करते हुए देखा है? वहां सिंगनिया शेरनिया ही शिकार करती हैं, कजिन की जिम्मेदारी वहां भी फीमेल पर ही है बेचारी पर, तो बहरहाल। लेकिन वो क्या करती है, जब वो शिकार करती है तो पहले 10 कदम पीछे हटती है और फिर छलांग लगाती है। तो वो जो पीछे हटना है वो पराजय नहीं है, वो पीछे हटना किसी चीज से चेहरा मोड़ लेना नहीं है, उस परिस्थिति से विमुक्त और विरक्त हो जाना नहीं है, उस परिस्थिति पर विजय प्राप्ति की तैयारी है। तो आपकी गाड़ी में अगर ब्रेक ना हो तो गाड़ी दौड़ा ना सकोगे कभी भी, यानी कि गाड़ी दौड़ती ब्रेक से है। लो जी, ये भी मजा बांध दिया गुरु जी ने आज, है गाड़ी दौड़ती ब्रेक से है। दुनिया कहती गाड़ी रुकती ब्रेक से,
अगर ब्रेक ना हो तो दौड़ा ही ना सकोगे कभी, तो दौड़ती ब्रेक से है। जितना मजबूत ब्रेक होगा उतनी ही गाड़ी को तेज भगा कर ले जा सकोगे। अगर गाड़ी 150-200 किलोमीटर पर भागती है तो इसलिए कि उसके ब्रेक सस्पेंशन और उसके बाकी जो चीजें हैं वो बहुत स्ट्रांग और मजबूत और कंफर्टेबल है, तब इसलिए आप कर पाते हो उसको। हाँ, जैसे धनुष को खींचते हैं प्रत्यंचा पर, पीछे खींचते हैं तो उसी गति से फिर वो आगे जाता है, तो ये ठीक है। और ऑयल रिफिल के लिए ब्रेक चाहिए होगा, चलिए ठीक है। वो अब आप इसमें इसकी जो वो है नीर छीर विवेक वो आप कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा सोचते हैं जो चीज़ें रोकती हैं वो रोकती नहीं, वो आपको गतिमान बनाती हैं। तो अगर कभी जीवन में ऐसा लगे जो पुरुषोत्तम जी को लग रहा है कि जीवन रुक गया है, आपने एक चीज़ और उसमें बड़ी सीक्रेट खुद ही जब आपको उत्तर आप दे देते हैं, मतलब प्रश्न का उत्तर खुद ही दे देते हैं। आपने लिखा कि पहले इन चीज़ों को हम मानते नहीं थे, परमात्मा की लाठी पड़े उससे पहले ही मान लो मेरे भाई, ईश्वर डंडा लेके तुम पे सवार हो उससे पहले ही परमात्मा के रास्ते पर चल पड़ो। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय, और जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होए। 400 साल पहले कबीरदास जी लिख गए बैठे बैठे आराम से नदी के किनारे, हम आज भी समझने को तैयार नहीं। सब बच्चों को पढ़ाया जा रहा है 8वीं कक्षा में 10वीं कक्षा में, 50 बार उसको पढ़ रहे हैं पर उसे पता नहीं, उसे समझ ही नहीं रहे। जितने जब प्रसन्नचित हो, जिस दिन लगे कि आज बहुत अच्छा मन है, जिस दिन लगे कि बहुत सुंदर कपड़े पहने हुए हैं, जिस दिन लगे कि बहुत सुस्वाद भोजन किया है, जिस दिन लगे कि बहुत सुंदर झील के किनारे खड़े हैं, जिस दिन लगे कि आज जीवन आतप्त है परमात्मिक प्रसादों से, आज जीवन बहुत उत्फुल्लित है बहुत शुभ समाचारों से, तुरंत बैठ जाइए परमात्मा की किताब खोल करके। सर्वोत्तम समय है ईश्वर को याद करने का, सर्वोत्तम। ये रोने से अष्टाष्टस्वे बहाने से जब हंस रहे थे तो क्यों नहीं याद किया, तो आंसू ही ना आते कभी। हंसते हुए जो याद करेगा उसके आंसू कभी बहेंगे नहीं, आंसू बहते हुए जो याद करेगा फिर वो द्विगुणित होते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको परिष्कार के लिए, आपके परिमार्जन के लिए, आत्मा के स्वभाव के लिए और जीवन के वर्तुल को श्रेष्ठ और बेहतर बनाने के लिए ईश्वरीय शक्तियां ही आपको ऐसी परिस्थितियों में कभी कभी ले जाती हैं जहां से आपका और निखार और सुधार होता है, तो आप उसको करने लगे। जैसा आपने लिखा कि हम करते नहीं थे, अब साथ करेंगे आप तो अच्छा हो जाएगा। और इधर शोकं दुःखं हरमस्तु।